तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने बेसिक नॉलेज यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मेरी एक दिन से वीडियो थोड़ी डिले हो रही है। वैसे मैं हर एक दिन छोड़ के वीडियो डालता हूँ लेकिन इस बार मैं डाल नहीं पाया था कुछ प्रॉब्लम को लेकर, लेकिन अब हर एक दिन छोड़ के एक वीडियो आई करेगी ताकि आप काफ़ी अच्छे से VFX जुड़े रहें। और हाँ गाइस, आज हम जानने वाले हैं ग्रिड पॉप के बारे में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम इसी टाइप की वीडियो लाते रहते हैं और आप काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे ग्रिड पॉप के बारे में। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरे पास एक शॉर्ट है, ठीक है। इस पे लड़की ने एक मास्क टाइप का पहन रखा है और इस पे स्पीक लिखा हुआ है। अभी स्पीक पे देखा आप देख रहे होंगे तो एस थोड़ा अलग लिखा हुआ है और पी थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, एफ थोड़ा मतलब सब टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे से खींचे हुए लिखे हुए हैं। अगर आपके पास कोई एक प्लेट भी है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक शॉर्ट भी है जिसमें आप प्लेट आपकी मैच नहीं हो रही है, कहीं से वो स्ट्रेच हो रही है, कहीं से वो नीचे हो रही है, कहीं से ऊपर हो रही है, तो आप इन सब चीज़ों को ग्रिड पॉप से काफ़ी अच्छे से कर लेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप अभी वीडियो आप देखिए पूरी पूरी, तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और कैसे हम कर सकते हैं। तो देखो गाइस, हमें स्पीक लिखना होगा पहले, तो मैंने यहाँ पे टैब दबा के टेक्स्ट सर्च कर लिया है और यहाँ पे मैं मैसेज में स्पीक लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे ही अपने स्पीक लिखेंगे तो वो हमारे यहाँ पे मतलब फुटेज पे आ जाएगा, लेकिन फुटेज पे वो तभी आएगा जब आप टैब मतलब अपने टेक्स्ट जो है उस पर व्यू करेंगे। अगर आप फुटेज पर व्यू रखेंगे तो वो आएगा ही नहीं, आपको दिखेगा ही नहीं, तो इसलिए आप टेक्स्ट पर व्यू कर लीजिए और यहाँ पे आप टेक्स्ट पे जैसे व्यू करेंगे वैसे वो आ जाएगा। अब देखिए मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ लेकिन वो दिख ही नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने टेक्स्ट लगाया ही नहीं। या अगर आप सोचेंगे कि आप व्यू नहीं करेंगे, देखो मैं ग्रेड भी लगा के दिखा रहा हूँ आपको, तो कोई चीज़ नहीं दिखेगी आपको। अब मैंने देखो जैसे व्यू करा तो ग्रेड से कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा। अब मैं डायरेक्ट टेस्ट लगाता हूँ, अब जैसे व्यू करा वैसे स्पीक दिख गया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पीक कितना अच्छे से लिखा हुआ है, लेकिन जो उसके उस पर टेप जो लगा रखा है इसने, लेकिन उस पर ही अच्छे से नहीं लिखा हुआ। तो आप नीचे की तरफ इसकी और सेटिंग भी देख पाएंगे, यहाँ पे आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको जो भी फॉन्ट चाहिए। तो फिलहाल के लिए मैं अभी ये छोड़ देता मतलब यही रख लेता हूँ, वैसे थोड़ा प्रॉब्लम करेगा लेकिन अभी आपको समझाने के लिए यही रख लेते हैं। और यहाँ से इसका साइज बड़ा कर देते हैं। अब देखो गाइस साइज क्यों नहीं बड़ा हुआ, तो साइज बड़ा करने के लिए आपको मैसेज में आपने जो लिखा है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर इसका साइज बढ़ाइए, तभी बड़ा होगा। अगर आप सोचेंगे डायरेक्ट ऐसे ही बड़ा कर दें तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 200 के आसपास करा है तो बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा और छोटा है या फिर ठीक है, तो थोड़ा सा और छोटा कर लिया, ठीक है। अभी ये थोड़ा लग रहा है बराबर का इसका, मतलब दोनों बराबर से लग रहे हैं, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है आप देख पा रहे होंगे, याले स्पीक में और इस वाले स्पीक में थोड़ा अंतर है। अंतर मतलब थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इसको हम ठीक कैसे करें, हम कैसे इसको बराबर लिखें, तो यही सब चीज़ें ग्रिड पॉप से हो जाती हैं काफ़ी आसानी से। आपको सर्च करना होगा टैब दबा कर ग्रिड पॉप, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ग्रिड पॉप का एक नोड। आप इस वाले नोड को सिलेक्ट कर लीजिए और आपको उसको क्या करना होगा, आपको लगाना होगा टेक्स्ट के नीचे, ठीक है। जैसे आप टेक्स्ट के नीचे लगाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ग्रिड पॉप टाइप की एक लाइन आ चुकी है। अब ये लाइनें तो पूरी फुटेज पर आई हैं, हमें तो सिर्फ वो ही हिलाना है जो हमारा स्पीक जो लिखा हुआ है। हम तो चाहते नहीं कि लड़की की आँख थोड़ी नीचे हो जाए, थोड़ा ऊपर हो जाए, कहीं से माथा कहीं से कुछ हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें टेक्स्ट के नीचे लगाना होगा और एक मर्ज कनोड लेना होगा। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वहाँ से आप टूल सेलेक्ट करिए और सिर्फ स्पीक को ऊपर आप एक मतलब ड्रैग कर दीजिए अपना माउस, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सब स्पीक के ऊपर लाइनें आ चुकी है, ठीक है। अब ये पूरी फुटेज पर नहीं है, पूरी फुटेज नहीं हिलाएगी, सिर्फ स्पीक ही हिलाएगी। और हाँ गाइज, आप कभी भी ग्रिड पॉप का यूज़ करें तो आपको इन दो तीन चीज़ों के बारे में समझ लेना होगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो अभी आप वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिए और मेरा माउस को भी ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पर सोर्स कर देना है। सोर्स करने से क्या होगा, कोई भी पार्ट हिलेगा नहीं। अगर आप सोर्स बोर्ड पर रखेंगे तो ये पार्ट हिलने लग जाएगा। अभी मैंने सोर्स कर लिया है, अब मैं देखो कोई भी चीज़ हिलाऊंगा, इसे लाइन में डिलीट करना चाहता हूँ। अगर देखो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ तो अभी एस बिल्कुल नहीं हिला, अगर सोर्स बोर्ड पर होता तो अभी हिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्लस माइनस मतलब कई सारी चीज़ें। अगर प्लस पर हम क्लिक करेंगे तो हम एक लाइन और ले सकते हैं, जैसे मुझे एस के पास एक लाइन और ले लेनी है। और आपको एक दो चीज़ों को और ध्यान रखना है, आपको बीच में दो दो लाइन लेनी है, ठीक है। दो दो लाइन क्यों लेनी है वो आपको अभी आगे वीडियो में पता चल जाएगा, हम दो दो लाइन क्यों लेने वाले हैं। अगर कहीं पे नहीं हो रहा है, जैसे आपके पास नहीं मिल रहा है रेफरेंस कि आप दो लाइन वहाँ पे ले पाएँ, तो आप एक भी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे दो लाइन ले रहा हूँ, कहीं कहीं मेरे को लग सकता है जैसे ई और ए के बीच में देखिए बिल्कुल स्पेस ही नहीं है, तो यहाँ पर मैं एक लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। और ए और के बीच में भी कोई स्पेस नहीं है तो यहाँ पे भी मैं एक ही लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। लेकिन पी एस के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस था इसलिए मैंने दो लाइन ले ली। अब देखिए मैंने माइनस करके लाइन थोड़ी हटा भी दी है और जो मेरे को चाहिए वो मैंने ले भी लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने इस तरह से ले लिया। तो आपको पहले इस टाइप से सेट कर लेना है कोई भी एक आप मतलब ग्रिड पॉप कभी भी यूज कर रहे हैं, जैसे आपने कोई प्लेट भी बनाई है आपने, तो आपको उसके ऊपर इस तरीके से पूरा पहले मैच करा लेना, जो भी मेन चीज़ है उस प्लेट में उसको अलग अलग ग्रिड आपकी लाइन में रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ से हम सोर्स वॉक कर देंगे दोबारा से, और मैंने कॉपी कराया, आपको ध्यान देना होगा दोबारा से, आप वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉपी करके नीचे वाले पेज में पेस्ट कर दिया था,
ठीक है, अब ग्रिड बॉब यहाँ पर लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, एक बार से नो कर देते हैं। और यहाँ पे हमें क्या करना है, हम जैसे ही लाइन को खींचेंगे, जैसे देखिए मैंने खींची तो ये आप देख पा रहे होंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, देखो गाइस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई कि हमारा पीछे वाला बर्ड अब भी हिल रहा है, जो हमें चाहिए ही नहीं वो चीज़ अब भी हिल रही है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको मर्ज का नोड लेना होगा और मर्ज का बी कनेक्ट कर देना होगा फुटेज में और ए कनेक्ट कर देना होगा ग्रिड बॉब में। अब आप हिलाएंगे तो पी आपका जो पीछे वाला बैकग्राउंड फुटेज है वो बिल्कुल नहीं हिलेगा। अगर आप डायरेक्ट टेक्स्ट को फुटेज पर कनेक्ट करते हो तो वो पीछे वाला चीज़ भी हिलता है, इसलिए आप मर्ज का नोड ले लीजिए। मर्ज का नोड का काफ़ी ज़्यादा यूज रहता है, इसके ऊपर मैं पूरी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप समझ पाएंगे मर्ज का नोड का क्या यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एस कैसे स्ट्रेच हुआ। अब नीचे से देखिए एस कैसा लिखा हुआ है, तो यहाँ से मैं एस को और दबा देता हूँ, जितना हो सके उतना दबा दे देंगे हम इसे, ताकि बिल्कुल ये वैसा का वैसा ही बन जाए जैसा ये है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरा फोन थोड़ा सा अलग है इसलिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, नहीं तो एक बार भी मैच हुआ था। अब आप देख पा रहे होंगे एस का डिज़ाइन कितना ज़्यादा अच्छा हो चुका है, और आप जेट प्रेस करेंगे तो ये चीज़ स्मूथ होगी, ठीक है। आप जैसे पॉली स्मूथ होती है ना बीजीआर की, ऐसे ही आप जेट प्रेस करिए अपने कीबोर्ड में सेलेक्ट करके, ठीक है, पॉइंट को सेलेक्ट करके, तो ये पॉइंट ऑटोमेटिक स्मूथ हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने एस और एकदम मैच करा ही लिया है, थोड़ा बहुत है क्योंकि वो फॉन्ट बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है, अगर फॉन्ट सेम टू सेम होता तो ये सब चीज़ें मैच हो जाती। अब मैंने देखो पी को उठाया, अब मैं पी को इधर कर रहा हूँ तो देखिए आप देख पा रहे हैं दो लाइन है तो कितना ज़्यादा फायदा हो रहा है, ई बिल्कुल डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा। अगर ये सिंगल लाइन होती बीच में तो ई भी डिस्टर्ब हो जाता। अब पी को भी जल्दी से मैच करा लेते हैं एक बार यहाँ पे, तो ये आपको एक फ्रेम पर करना है, आपको इतना ध्यान रखना है ये एक फ्रेम पर करना है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप आगे भी कर सकते हैं, तो आपको की ऑटोमेटिक लगती रहेगी जैसे आपको चाहिए। अभी आप कर रहे हैं ऐसे मान लीजिए एक फ्रेम पर काम, ठीक है, आपने एक फ्रेम मैच करा लिया, आपने देखा आगे जाके अरे यार के तो बहुत ज़्यादा दूर जा चुका है, तो भाई के को भी आप अलग फ्रेम पर जाकर मैच करा सकते हैं, तो वो बीच में एनिमेट भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैंने पी भी मैच करा लिया है, तो अब बारी आती है हमारी ई की, हम ई को कैसे मैच कराएं। तो ई के लिए भी आपको वही करना है, आपको इसको चारों तरफ के पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है और सिंपल आप ड्रैग करिए, तो आप जैसे ही ड्रैग करेंगे तो ई पे जाके सेट हो जाएगा, और थोड़े थोड़े पॉइंट ऊपर नीचे करिए जैसे उसका कोना है वैसे वैसे आप मैच करा सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि अगर मान लीजिए इसकी जगह कोई प्लेट होती उसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा था तो उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। तो ग्रिड पॉपर कितना ज़्यादा यूज़ है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल नोड है, अगर आप इसका यूज करेंगे तो आपको बाकी में समझ में आएगा कितनी ज़्यादा चीज़ें हम इसमें छेड़ाछाड़ी करके ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैंने पूरे तरीके से पीक लिख लिया है, ये फॉन्ट सेम नहीं है इसलिए पूरा बराबर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर फॉन्ट सेम होता तो बराबर लिखा होता, लेकिन आप देख पा रहे हो यहाँ पर के का थोड़ा सा हिस्सा रह गया है। अब क्या करें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, के का हिस्सा तो रह गया, अब कैसे हटाएं इसको। तो इसका बहुत ज़्यादा सिंपल नोड है कि आप दो मर्ज लीजिए और दूसरा वाला मर्ज जो है उसका आप ए कनेक्ट कर दीजिए फुटेज में, और या पहला वाला मर्ज है इसका बी कनेक्ट कर दीजिए पहले वाले मर्ज में, और यहाँ से आप इसका ए कनेक्ट कर दीजिए अपने मतलब इस वाले मर्ज में। अब एक रोटो का नोड ले लीजिए, ठीक है, अब इसका बी हमारा जाएगा रोटो का नोड में। अब ये दूसरा वाला मर्ज जो है ना इसका ऑपरेशन कर दीजिए आप इन, ठीक है, आपको क्या करना है इन ऑपरेशन कर देना है। ये रोटो को रिवील करने की एक मतलब परंपरा है, अब इसे आप इस तरह से लगा सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा, पॉली बनाने नहीं होगी, अब पॉली उसी पार्ट बनाइए जो आपको हटाना है, जैसे मेरे को ये हटाना है क्योंकि यहाँ तो ओरिजिनल था, तो यहाँ से मैं के को हटा देता हूँ, यहाँ पर मुझे चाहिए ही नहीं थे, देखिए हट चुका है, तो कितना ज़्यादा ईजी था। अब आप वन टू वन टू करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे स्पीक जो पीछे लिखा था वही मैंने बिल्कुल आगे लिख दिया। अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई प्लेट होती तो प्लेट भी वो इसी तरीके से आप मैच करा सकते हैं। अब मैं देखो आगे जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये फिर से मेरे को मैच कराना पड़ रहा है। तो इसका सबसे बेस्ट ट्रिक ये है कि आप ट्रैकर ले सकते हैं, जैसे आप ट्रैकर लेंगे वैसे ये ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा। तो आपको ट्रैकर कहाँ लगाना होगा, आपको ग्रिड बॉब के नीचे लगाना होगा, मर्ज के मतलब और ग्रिड बॉब के बीच में लगाना होगा। तो वो भी मैं आपको जल्दी से एक बार बता देता हूँ, उसका ट्रैक निकाल लेते हैं जल्दी से। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक ट्रैकर का नोड ले लिया है ट्रैक निकालने के लिए, और ट्रैकर पे हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसी सेटिंग, और यहाँ पे आप ऐड ट्रैक पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे एक बॉक्स बनकर आ जाएगा। ध्यान रखिए आपका ओवरले ऑफ नहीं होगा, नहीं होगा, अगर ओवरले ऑफ होगा तो आपका बॉक्स नहीं दिखेगा, इसलिए आप चालू कर लेना उसे क्यू दबा के या फिर आपको ओ दबा के चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखो चार बॉक्स ले लिया, मैं फोर पॉइंट ट्रैक निकाल रहा हूँ। अगर गाइस आपको फोर पॉइंट या टू पॉइंट ट्रैक की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने काफ़ी बारीकी से बताया कि आप कैसे ट्रैक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ट्रैक निकाल लिया, अब मैं आगे का भी निकाल लेता हूँ क्योंकि मैंने इधर से बीच में से निकाला था। अब आप आगे देख पाएंगे तो यहाँ पे उंगली ने आगे पूरा ट्रैक मेरा ख़राब कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको मालूम तो पड़ चुका है ना कि भाई ट्रैक कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं बीच में से कुछ फ्रेम के लिए काम करके आपको बता दूंगा ताकि आपको ये तो पता चल जाए भाई ग्रिड बॉब का यूज़ कैसे हो रहा है और कहाँ कहाँ हम ट्रैक लग का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सारी चीज़ मतलब जो भी चीज़ें इसकी, ये रोटेशन स्केल सब चीज़ चालू कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए मैं किस तरीके से चालू कर रहा हूँ। फिर आपको क्या करना होगा, दूसरी सेटिंग में जाना होगा और आपको मैच मूव करना होगा।
पहले वाले उसको मतलब ऑप्शन को जो है पहले वाले ऑप्शन को मैच मूव कर देना होगा। यहाँ से मैं इसको सेट टू करंट फ्रेम कर देता हूँ पहले, और फिर मैच मूव कर देंगे, ठीक है। आपको इसी तरीके से कर देना है, आपको फर्स्ट फ्रेम पे करना है, क्योंकि फर्स्ट फ्रेम पे हमने मतलब सारा मामला सेट करा है अपना ग्रिड बॉक्स से, इसलिए हम फर्स्ट फ्रेम पे कर रहे हैं। अब मैंने देखो ट्रैकर कहाँ लगाया है, मैंने आपको पहले ही बताया था मर्ज और ग्रिड बॉक्स के बीच में लगाना है आपको, और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सजा लेते हैं ताकि आपको जल्दी से अच्छे से समझ में आए। अगर ये टेढ़ मेढ़ हो जाता है नोट तो आप समझ में नहीं आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, इसलिए आप इसको जितना अच्छा बनाएंगे अपने कॉम को उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखो स्टेप से करा लिया है कुछ, और आप इससे पॉज करके देख सकते हैं मैंने कैसे कैसे कहाँ पे कौन कौन से नोट लगाए हैं, तो आप उसी टाइप से लगा दीजिए। अब देखो ग्रिड वॉक के नीचे मैंने ट्रैकर लगाया, अब यहाँ पे मैं जितनी मैंने की दी थी पहले ग्रिड वॉक में वो सब की डिलीट कर देता हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ पे देखो मैं इसे भी डिलीट कर दी, इससे भी डिलीट कर देते हैं एक बार। अब आप देखिए अभी फर्स्ट फ्रेम पे एनिमेट है, लेकिन ट्रैक जैसी लगा है अब वैसे ही हर फ्रेम पे चलने वाला है। तो ये देखिए स्पीक कितने आराम से चल रहा है। तो 4 पॉइंट ट्रैक का ये फायदा होता है कि स्केल रोटेशन सब कुछ ले लेता है वो, ठीक है। तो इसलिए आप 4 पॉइंट निकालिए, नहीं तो आपको 1 पॉइंट चाहिए अगर आपके में स्केल रोटेशन कुछ भी नहीं है तो आप 1 पॉइंट भी निकाल सकते हैं। तो आप इस तरीके से ग्रिड वॉक का यूज करें, कोई भी अगर आपके पास प्लेट है पेंट की तो आप, या पेंट की है तो किसी भी चीज़ की एक प्लेट है तो आप काफ़ी आसानी से लगा पाएंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया ग्रिड वॉक के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें मैं प्लेट के ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि ये तो मैंने अभी बर्ड के ऊपर बनाई है। अगर आप चाहते हैं प्लेट के ऊपर कोई पेंट का शॉट हो जिसमें हम ग्रिड वॉक का यूज़ करके दिखाएं आपको, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जल्दी से गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो में लाइक कमेंट करके अपनी दिल की बात बता सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, गाइस जय हिंद।